नमस्कार दोस्तों, मेरा यह संदेश उन हर एक भारतीयों के लिए है जो ट्रेन से सफर करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप और हम जाने अनजाने में ही काला धन जनरेट करते हैं, और तो और कई बार तो हमारे नाक के नीचे ही ठगी हो रही होती है और हमें पता तक नहीं चलता। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हम जब किसी रेस्टोरेंट या होटल में कुछ भी खाते हैं तो क्या बिना रेट कार्ड या मेनू कार्ड देखे ही पेमेंट कर देते हैं? नहीं ना? तो फिर रेलवे में क्यों नहीं? क्या कहा, रेल में मेनू कार्ड नहीं होता? मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि भारतीय रेल में भी रेट और मेनू कार्ड होता है, जिसमें हर एक फूड आइटम्स के रेट्स दिए होते हैं। लेकिन आप और हम जानकारी के अभाव में कभी भी पैंट्री कार वाले से इसकी डिमांड ही नहीं करते। आप उनसे मेनू कार्ड मांग कर देखना, देखना वो किस किस तरह के बहाने बनाते हैं, और वो भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको मेनू कार्ड ना दिखाना पड़ जाए। लेकिन ऐसा क्यों, वो आखिर क्यों छुपाते हैं हमसे? दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम ठगे जाते हैं। हम पेंट्री कार वाले से पूछते हैं कि भैया वेज और नॉन वेज खाने का क्या रेट है। वो हमें बताता है कि वेज का 120 रुपये और नॉन वेज का 140 रुपये। हम खाना खाते हैं और बड़े आराम से पैसे निकाल कर दे देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि जो वेज खाना हम 120 रुपये का खाते हैं वो सिर्फ 50 रुपये का होता है, और जो नॉन वेज खाना हम 140 रुपये का खाते हैं वो सिर्फ 55 रुपये का होता है। जी हाँ, एक्चुअली पेंट्री कार वाला हमसे डबल से भी ज़्यादा चार्ज करता है। इसलिए जब आप उससे मेनू कार्ड मांगेंगे तो वो तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, हमसे चाय, कॉफ़ी, ब्रेड कटलेट वगैरह के लिए भी ओवर चार्ज किया जाता है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, मैं तो साल में बस 2 या 3 बार ही ट्रेन से सफ़र करता हूँ, और कभी कभार थोड़ा ज़्यादा दे भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी इसी सोच का फ़ायदा उठाकर एक पेंट्री कार वाला एक रूट में, मानकर चलिए कि दिल्ली से झारखंड जा रही है कोई ट्रेन, तो तकरीबन ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपए ओवर चार्जिंग से हक कमाता है। और दोस्तों, ये काली कमाई होती है, क्योंकि हम पेमेंट कैश में करते हैं और कोई भी बिल या वाउचर रसीद नहीं लेते हैं। ये सारे पैसे सीधे कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाते ही है और ऊपर तक शेयर होता है। दोस्तों, भारत में रोज़ाना करीब 7,000 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। अगर हम ये मान लें कि सिर्फ 2,000 ट्रेन में ही पेंट्री कार की फैसिलिटी है, तो आप ये सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि हमारी और आपकी वजह से भारतीय रेल में रोज़ करीब 20 से 30 करोड़ रुपए का काला धन जनरेट होता है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना? जी हाँ, और अगर 1 महीने की बात करें तो ये फिगर अरबों में चली जाएगी, साल भर की तो हम बात ही ना करें। इसलिए फ़र्क तो पड़ता ही है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? बस अगली बार हम जब भी ट्रेन में सफ़र करें और पेंट्री कार वाले से कुछ भी खाएं या पिएं, तो उनसे रेट कार्ड मांगें और उसी के हिसाब से पेमेंट करें। और हाँ, रसीद लेना ना भूलें। आप अपने घर परिवार, सगे संबंधी, दोस्त यार, सभी को इसकी जानकारी दें। हम कोशिश करें कि हमारे संपर्क में ऐसा कोई भी ना हो जिसे इसकी जानकारी ना रहे, ताकि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकें और आगे आने वाली पीढ़ी को काले धन की बुराई से बचा सकें। इस संदेश को इतना शेयर कीजिए कि सुरेश प्रभु तक पहुंच जाए और सारे भ्रष्टाचारियों की और भ्रष्ट फूड कॉन्ट्रैक्टर्स की नींद उड़ जाए। हम और आप अगर ये छोटी सी कोशिश करें तो हम बदलाव ला सकते हैं। और जो ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा, इसको चेंज कर सकते हैं। यस, वी कैन। दोस्तों, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कम बी ए चेंज वॉरियर।